बच्चों आपके कमरे में आसपास जो चीज़ें हैं आप उनको कैसे देख पा रहे हैं ऑफ कोर्स आपकी आंखों से पर यह बताइए कि आपके कमरे में यदि अंधेरा हो जाए यानी कि कोई लाइट्स ना हो तो क्या आपको वो चीज़ें दिखाई देती हैं नहीं इसका मतलब कि आपको वो चीज़ें प्रकाश के कारण ही नज़र आ रही हैं और ये प्रकाश आपको कहां से मिलता है आपके कमरे में लगे बल्ब या ट्यूबलाइट से या फिर कमरे के बाहर खुले आसमान में चमकते हुए सूरज से अब यह प्रकाश आपकी आंखों तक कैसे पहुंचता है मतलब ये कौन से मार्ग में गमन करता है इसको समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं तो बच्चों हमने कमरे को पूरा अंधेरा कर लिया है और एक लाइट सोर्स लिया है और ये वाइट स्क्रीन रखी है अब मेरे हाथ में एक लकड़ी की स्केल है अब इस स्केल को मैं इस वाइट स्क्रीन के सामने रखती हूं यहां पर आप देख सक रहे हैं कि आपको इस स्क्रीन पर एक काले रंग की पट्टी नजर आ रही है एक्चुअली ये स्केल की छाया है अब ये छाया कैसे बनी इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकल के आ रही थी वो सरल रेखा में गमन कर रही होगी और इसी कारण जब इसके रास्ते पे कोई रुकावट आई तो प्रकाश स्रोत से जो आने वाली प्रकाश है वो आगे नहीं बढ़ पाई और इसी कारण उसकी छाया हमें नजर आई एक्चुअली छाया क्या होता है प्रकाश का नहीं पहुंच पाना यानी उस जगह पे अंधेरा हो जाना वो कहलाती है उस वस्तु की छाया तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ इस स्केल से प्रकाश आगे नहीं जा पाई और उस जगह पे अंधकार हो गया जिसके कारण इस छाया हमको इस वाइट स्क्रीन पे नजर आ रही है अब इस स्केल को मैं थोड़ा सा मूव करके देखती हूं जब मैं रही हूं तो हम देख सकते हैं छाया के आकार में भी परिवर्तन हो रहा है। कभी यह छाया छोटी हो जा रही है और छाया कभी बड़ी हो जा रही है तो यह छाया के आकार में क्यों परिवर्तन हो रहा है तो बच्चों इसके लिए हम एक और एक्टिविटी करते हैं बच्चों हमारे सामने एक मोमबत्ती है एक पेंसिल है एक ड्राइंग शीट है एक स्केल है एक माचिस है ये वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं क्यों क्योंकि इस कमरे में प्रकाश है हम अच्छी तरह से जानते हैं जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में पहुंचती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों में बनता है और वह वस्तु हमें दिखाई देती है तो क्या इन वस्तुओं को मैं उठाकर किसी ऐसे कमरे में ले जाऊं जहां पूरी तरह से उजाला हो तो ये वस्तु हमें दिखाई देंगी नहीं ना क्यों क्योंकि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करती है और इन वस्तुओं से टकराने वाली प्रकाश हमारी आँखों तक नहीं पहुँच पाती इसलिए ये वस्तुएँ हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती हैं यदि इस मैं कमरे में अंधेरा कर दूँ और इस मोमबत्ती को जलाऊँ इस पेंसिल को इस मोमबत्ती के सामने रखूँ तो क्या होगा इस वाइट पर्दे पर इस वाइट शीट पर इस मोम इस पेंसिल की छाया हमको दिखाई देगी ऐसा क्यों होगा क्योंकि पेंसिल जो है वो इस मोमबत्ती के सामने रुकावट बन जाएगा और ये प्रकाश की किरणों को इस वाइट ड्राइंग शीट तक पहुंचने नहीं देगा जिसके कारण उस जगह पर अंधेरा हो जाएगा जिसके कारण इस पेंसिल की छाया हमको इस वाइट ड्राइंग शीट पर दिखाई देती है तो हम एक प्रयोग द्वारा यह स्पष्ट करते हैं या देखते हैं या समझते हैं कि किस प्रकार छाया बनती है और जब पेंसिल को हम मोमबत्ती के पास या दूर करते हैं या पर्दे को हम मोमबत्ती के पास या दूर करते हैं तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होता है इस प्रयोग की सहायता से हम यह जानेंगे कि प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करती है और इस प्रयोग की सहायता से हम रेखा गणित का उपयोग कर कर एक ऐसे सूत्र का निर्धारण करेंगे एक ऐसे सूत्र को बनाएंगे जिससे कि हम किसी भी वस्तु के बनने वाले छाया का आकृति प्रकृति और स्थान का सटीक अनुमान आसानी से लगा सकेंगे तो चलिए प्रयोग करते हैं इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले हमने इस पेंसिल पर एक ऑल पिन लगा लिया है कि जब भी हम इस पेंसिल की लंबाई नापें तो हम इसकी लंबाई इस पिन और इस पेंसिल के शीर्ष तक नापेंगे वैसे ही जब इसकी छाया इस ड्राइंग शीट पर बनेगी तो उस छाया की भी लंबाई हम उस पिन और उस छाया की अंतिम छोर तक नापेंगे इसके लिए सबसे पहले हम इस पेंसिल की लंबाई को इस पिन से नापते हैं जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस पेंसिल की लंबाई, इस पिन से शीर्ष तक की लंबाई लगभग चार इंच की है अब हम इसकी छाया की लंबाई स्केल की सहायता से नापेंगे हमने इस टेबल पर एक स्केल बनाया है जिसमें हमने इंचों से निर्धारण किया है हम सबसे पहले मोमबत्ती को जीरो पर रख देते हैं फिर इस कमरे में अंधेरा करेंगे इस मोमबत्ती को जलाएंगे और फिर हम इसकी दूरी को मोमबत्ती से परिवर्तित कर करके देखेंगे कि इसकी छाया के आकार में क्या बदलाव आता है क्या परिवर्तन होता है तो चलिए पहले हम इस कमरे में अंधेरा कर देते हैं तो चलो अब हमने कमरे में अंधेरा कर दिया और अब ये मोमबत्ती जलाते हैं मोमबत्ती जलाते ही इस पेंसिल की छाया स्पष्ट हमको इस वाइट शीट पर दिखाई दे रही है अब हम इस छाया के आकार को नापते हैं जिस प्रकार हमने पेंसिल के आकार को इस ऑलपिन और शीर्ष तक का नापा था वैसे ही हम छाया को भी इस ऑलपिन की छाया और इसके शीर्ष तक नापते हैं इसकी छाया की लंबाई लगभग पाँच इंच है अब हम इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं अभी पेंसिल 21 इंच पर रखा गया है अब हम इसकी दूरी को मोमबत्ती से कम करते हुए इसे 19 इंच पर रखते हैं अब देख सकते हैं कि इस छाया के आकार में परिवर्तन हो गया ये छाया अब थोड़ी बड़ी नज़र आने लगी हम स्केल की सहायता से इसको नापते हैं ये छाया की लंबाई लगभग 6 इंच हो गई है अब हम इसे 17 पर रखते हैं जब हमने पेंसिल को 17 पर रखा मतलब मोमबत्ती से इसकी दूरी कम की तो छाया का आकार और भी बढ़ गया इसको हम नाप के देख सकते हैं अब छाया लगभग सात इंच की हो गई है इसी प्रकार यदि हम पेंसिल की दूरी को मोमबत्ती से बढ़ाएं, अब हम इसको तेईस पे रखें तब हम देख सकते हैं कि इसकी छाया छोटी हो गई है हम इसे नाप भी सकते हैं इक्कीस इंच पर रखने पर पाँच इंच थी और हमने अब तेईस इंच पर रखा है तो इसकी आकृति लगभग इसकी लंबाई लगभग चार इंच हो गई है तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पेंसिल को मोमबत्ती से दूर और पास करने पर इसकी छाया में भी परिवर्तन होता है यदि हम पेंसिल को स्थिर रख दें पंद्रह पे रख दें और हम इस वाइट शीट को आगे या पीछे की ओर करें तभी भी छाया में परिवर्तन होगा यदि मैं इस ड्राइंग शीट को आगे की ओर बढ़ाती हूँ मैं इसे 21 पर रखती हूँ तो इसकी छाया छोटी हो रही है हम नाप के देखते हैं अभी इसकी छाया है लगभग 6 इंच और यदि हम इसे दूर रखें यदि हम इसे 27 इंच पर रखें तो इसकी छाया लंबी हो गई है और यदि हम इसे मापें तो इसकी लंबाई लगभग 8 इंच हो गई है इसी तरह से यदि हम मोमबत्ती को भी आगे या पीछे करें तब भी भी छाया के आकार में परिवर्तन होगा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम चाहे मोमबत्ती की स्थिति में परिवर्तन करें चाहे पेंसिल की स्थिति में परिवर्तन करें या ड्राइंग शीट की स्थिति में परिवर्तन करें इस छाया के आकार में परिवर्तन होता रहेगा तो देखा बच्चों आपने कि यदि हम मोमबत्ती पेंसिल या इस ड्राॅइंग शीट की दूरी में किसी में भी परिवर्तन करते हैं तो छाया के आकार में परिवर्तन हो जाता है वस्तु का आकार और उससे स्रोत की दूरी का अनुपात छाया का आकार और उससे स्रोत की दूरी का अनुपात बिल्कुल बराबर होता है तो बच्चों इस एक्टिविटी से हमने जाना कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है तभी तो उसके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो उसकी छाया बन जाती है क्योंकि वो अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को पार नहीं होने देती यदि प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं कर रही होती तो वो उस वस्तु से टकराने के बाद मुड़कर स्क्रीन तक पहुंच जाती और वहां पर वस्तु की छाया नहीं बनती तो वस्तु की छाया बनना यह सिद्ध करता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है साथ ही हमने देखा कि जब हम वस्तु को स्रोत से दूर या पास ले जा रहे थे या स्क्रीन को दूर या पास कर रहे थे उस समय उसकी छाया के आकार में भी परिवर्तन हो रहा था यानी कि वस्तु का आकार और छाया के आकार में संबंध है जब उसको हम स्रोत से दूर ले जा रहे हैं या स्क्रीन से दूर या पास ले जा रहे हैं तो इस कंडीशन में उसके आकार में एक निश्चित परिवर्तन हो रहा है और इस निश्चित परिवर्तन को हम गणितीय सूत्र के रूप में लिख सकते हैं यानी कि वस्तु की लंबाई अपन वस्तु व प्रकाश स्रोत की दूरी बराबर छाया की लंबाई अपॉन छाया व प्रकाश स्रोत की दूरी और इस संबंध के अनुसार इस सूत्र के अनुसार हम यदि वस्तु की स्रोत से दूरी या छाया की स्रोत से दूरी पर्दे से दूरी ये ज्ञात हो तो हम छाया के आकार का अंदाज़ा लगा सकते हैं साथ ही बच्चों इस एक्टिविटी से हमने ये भी जाना कि हमको आसपास की चीज़ें क्यों दिखाई दे रही है क्योंकि वहाँ पर प्रकाश है ये प्रकाश हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं अब प्रकाश स्रोत से तो प्रकाश आ रही है इसलिए हम प्रकाश स्रोत को देख पा रहे हैं लेकिन जो बाकी वस्तुएं आपके कमरे में रखी गई हैं इनमें से तो प्रकाश नहीं आ रही है ये तो प्रकाश के स्रोत नहीं है तो इनमें कहां से प्रकाश आ रहा है हम इनको कैसे देख पा रहे हैं तो एक्चुअली जो आपके कमरे में प्रकाश स्रोत है जैसे ट्यूबलाइट या बल्ब या बाहर की बात कर रहे, तो जो सूरज है उसमें से आने वाला प्रकाश जब वस्तुओं से टकराता है और टकराकर आपकी आंखों में पहुंचता है उस समय वो वस्तुएं दिखाई देती हैं इसलिए तो जब हमने कमरे में अंधेरा कर दिया था तो आप मुझे भी नहीं देख पा रहे थे क्योंकि आपकी आंखों तक प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा था तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रहे प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस आ जाना यह प्रकाश की एक और घटना है जिसे हम प्रकाश के परावर्तन के नाम से जानते हैं और इसी घटना के कारण यानी कि प्रकाश के परावर्तन के कारण आप अपने आसपास की चीज़ों को देख सकते हैं ये खूबसूरत दुनिया का आनंद ले सकते हैं और इसी घटना के कारण आप रोज अपने आप को भी देखते हैं कहाँ आप अपने आप को डेली तैयार होने के लिए दर्पण में देखते हैं और दर्पण में भी प्रकाश से जुड़ी हुई इसी घटना का उपयोग होता है यानी कि प्रकाश का परावर्तन ये दर्पण एक चमकदार समतल सतह है जिसमें से आपसे टकराकर जो प्रकाश दर्पण में पड़ रहा है वो प्रकाश जब आपकी आँखों में आता है दर्पण से टकराने के बाद तो आप अपने आप को देख पाते हैं अब ये दर्पण बनता कैसे है एक्चुअली जो सिल्वर धातु होती है वो प्रकाश की अच्छी परावर्तक है यानी कि प्रकाश को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देती है ये जो दर्पण है ये भी सिल्वर धातु का ही बना होता है सिल्वर धातु के एक ओर हम कांच लगा देते हैं और दूसरी ओर हम उस पर तो देखा जाता है तो वो चमकदार दिखाई देती है सिल्वर धातु के कारण और दूसरी तरफ गहरा रंग पोतने के कारण वो कांच का टुकड़ा अपारदर्शी हो जाता है जो कि प्रकाश को पार नहीं करता इसलिए जब प्रकाश दर्पण में टकराती है तो वो सिल्वर धातु पर पड़ती है कांच को पार करते हुए कांच एक पारदर्शी माध्यम है तो प्रकाश उसमें से पार हो जाएगी अब रास्ते में उसके आता है सिल्वर धातु जो कि प्रकाश का अच्छा परावर्तक है लाइट को टोटली रिफ्लेक्ट करता है तो वहाँ से वो परावर्तित हो जाती है क्योंकि जो गहरे रंग का पेंट लगाया गया है उससे प्रकाश पार नहीं हो पाती और इस प्रकार वो टकराकर वापस आ जाती है और इसलिए जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपनी अच्छी इमेज वहां पर नजर आती है आप देख सकते हैं कि आप कैसे दिख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन सो सभी वस्तुओं से होता है जो आपके आसपास रखी गई हैं लेकिन हम दर्पण में ही अपना चेहरा देख पाते हैं या फिर कोई नई थाली हो चम्मच हो चमकदार बर्तन हो उनमें अपना चेहरा देख पाते हैं क्योंकि अन्य वस्तुओं से जो परावर्तन हो रहा है वो पूर्ण नहीं है उनमें कुछ प्रकाश अवशोषित भी हो जाता है या फिर अपवर्तन हो जाता है जिसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे लेकिन अगर हम दर्पण की बात करें तो वहाँ पर प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है मतलब जितनी प्रकाश उस पर पड़ रही है वो वापस आ जाती है इसलिए जब हम उसके सामने खड़े होते हैं तो हमको अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है पर कभी कभी ऐसा होता है कि दर्पण बहुत पुराना हो जाता है उसके अंदर जो सिल्वर धातु लगी है या पीछे की पॉलिश है वो निकल चुकी होती है उस कंडीशन में भी आप दर्पण को देखें तो वहां पर स्पष्ट आपका प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा इसका मतलब परावर्तन पूर्ण होने के लिए जो पृष्ठ आपने लिया है जो वस्तु आपने ली है वो चमकदार और समतल या यूं कहे चिकनी होनी चाहिए उस कंडीशन में परावर्तन पूर्ण होगा खरदूरा पृष्ठ आप लेते हैं तो उसमें परावर्तन के साथ साथ प्रकाश की और भी घटनाएं हो जाती हैं, जिसके कारण उनमें आपका प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता मान लीजिए आपने यहाँ पर एक दर्पण लिया है या यूँ कहे कि परावर्तक पृष्ठ लिया है एक चिकनी चमकदार समतल सतह लिए हमने इस पर एक प्रकाश आपतित हो रही है इस प्रकाश को हम कहते हैं आपतित किरण और चूंकि ये पृष्ठ अपारदर्शी है तो यहां से ये प्रकाश टकराकर वापस आएगी मान लीजिए ये प्रकाश टकराकर इस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ रही है तो ये प्रकाश जो टकरा के आगे की ओर बढ़ रही है इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हुआ है इसे इंग्लिश में हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे ये आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिल रहे हैं इस दर्पण पर यानी कि यूं कहें जहाँ से इनका परावर्तन हुआ है उस बिंदु से यदि इस समतल चिकनी चमकदार सतह पर यदि एक लंबवत रेखा खींचे तो ये लंबवत रेखा कहलाती है अभिलंब यानि कि नॉर्मल तो इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन में हमारे पास तीन नए टर्म्स मिलते हैं पहला आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे दूसरा परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और तीसरा अभिलम्ब यानी कि नॉर्मल अब अभिलंब और आपतित किरण जो कोण बना रहे हैं उस कोण को हम कहते हैं अपतन कोण इसे हम आई से दर्शाते हैं क्योंकि इंग्लिश में हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इसलिए इसे अंग्रेजी अल्फाबेट के स्मॉल लेटर आई से दर्शाया जाता है और जो कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण और इसे दर्शाया जाता है अंग्रेजी अल्फाबेट के स्मॉल लेटर आर से क्योंकि इंग्लिश में हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये परावर्तन की घटना दो नियमों से बंधी होती है पहला नियम अपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव ही एक दूसरे के बराबर होते हैं दूसरा नियम अपतित किरण अभिलंब और ये परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में होते हैं किसी भी परावर्तक पृष्ठ का अभिलंब कैसा होता है इसको समझने के लिए हम एक दर्पण लेते हैं और एक माचिस की तिली अब इस दर्पण में माचिस की तीली को यदि फिक्स कर दिया जाए बिल्कुल सीधे लंबवत, इसको हम चाहे तो मोमबत्ती को पिघलाकर भी फिक्स कर सकते हैं या फिर ग्लू गन के ग्लू से भी हम लोग इसको फिक्स कर सकते हैं तो ये जो माचिस की तीली होगी इस दर्पण पर जो इस पर लंबवत होगी वही इस तल का अभिलंब कहलाएगा अब हम देख रहे हैं कि जब हम दर्पण को घुमा रहे हैं तो ये अभिलंब भी उसके साथ साथ मूव कर रहा है जिस तरीके से दर्पण को घुमाया जा रहा है अभिलंब भी वैसे ही मूव कर रहा है अब हमने कहा कि दूसरे नियम के अनुसार ये अपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक तल को इमेजिन करते हैं अगर ये दर्पण है तो उस पर अभिलंब उस पर खींची हुई एक लंबवत रेखा होगी अब तल बनाने के लिए हम दो लकीरों को लेंगे क्योंकि एक लकीर से तो कितने ही तल क्रॉस हो सकते हैं यहां पर दो लकीरें होंगी एक अभिलंब और दूसरी होगी आपतित किरन। आपतित किरण किरण और अभिलंब को मिलाकर हमने एक तल बनाया तो जो परावर्तित किरण होगी वो इसी तल में ही होगी जब प्रकाश की किरण इस दर्पण पर आपतित होगी और उसके बाद इसमें परावर्तन होगा तो ये जो परावर्तित किरण है वो इसी तल पर होगी जिस तल पर अभिलम्ब और अपतित किरण है तो बच्चों इस घटना को समझने के लिए आइए हम एक एक्टिविटी एक करते हैं इस एक्टिविटी को हम लेज़र लाइट और दर्पण की सहायता से करेंगे वैसे बच्चों आपके कोर्स में प्रैक्टिकल भी है जिसमें आपको परावर्तन के नियमों का सत्यापन करना है पर जब आप अपने स्कूल में परावर्तन के नियमों का सत्यापन करेंगे तो आप वहाँ पर लेज़र लाइट नहीं बल्कि ऑलपिन की सहायता से इस प्रयोग को करेंगे तो समझने के लिए हम फिलहाल यहाँ पर एक लेज़र लाइट की सहायता से इस प्रयोग को कर कर देखते हैं बच्चों इस प्रयोग को करने के लिए हमने एक गोल्ड डिश लिया है आप देख सकते हैं बच्चों इस गोल्ड डिश में जीरो अंश से लेकर 360 अंश तक का स्केल बना हुआ है और हमारे पास है एक समतल दर्पण और एक लेज़र लाइट और एक चांदा अब इन सबकी सहायता से हम लोग आपत्तित किरण और परावर्तित किरण के बीच में संबंध देखेंगे बच्चों अब इस लेजर की लाइट को मैं समतल दर्पण पर आपत्तित करती हूँ अब देख सकते हैं ये लेज़र की लाइट इस समतल दर्पण पर आपत्तित हो रही है और इसे टकरा कर परावर्तित हो रही है इस किरण को हम आपत्तित किरण कहते हैं और जो किरण टकराकर वापस जा रही है इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं इन दोनों के बीच पर दोनों के कटान बिंदु पर आप देखेंगे एक रेखा बनी हुई है यह रेखा इस समतल दर्पण पर 90 डिग्री पे है इस रेखा को हम अभिलम्ब कहते हैं अभिलम्ब और आपतित किरण के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं अभिलम्ब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं अब मैं इस आपतित किरण को इस अभिलंब से 20 डिग्री पर रखती हूँ देखते हैं हम परावर्तित किरण पर क्या परिवर्तन होता है अब आप देख सकते हैं बच्चों कि यहां अभिलंब से अपतित किरण का कोण 20 डिग्री का है 10 और 10 मिलाकर 20 अंश हुए अब यहां पर हम देखेंगे परावर्तित किरण जो है वो भी 20 अंश का कोण बना रही है यदि मैं इस अपतित किरण के कोण को बढ़ा दूं, अब मैंने 0 से 330 पे रखा है मतलब यहाँ पर तीस अंश का कोण बन रहा है अपतन कोण तीस अंश का है और परावर्तित कोण भी परावर्तित कोण भी आप देख सकते हैं ये भी तीस अंश का है मतलब परावर्तित किरण भी उतने ही कोण में परावर्तित हो रही है जितने कोण पर हमने अपतित किरण को रखा है यदि मैं इस कोण को और बढ़ाऊँ चालीस डिग्री पर रखूँ तो परावर्तित किरण भी चालीस डिग्री पर ही परावर्तित होगी इस प्रकार हम देख सकते हैं अपतन कोण का मान और परावर्तन तो कोण का मान दोनों ही बराबर होते हैं तो देखा बच्चों आपने अपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर ही है हम यदि अपतन कोण को परिवर्तित करते हैं तो परावर्तन कोण भी उतने ही मान से परावर्तित हो जाता है इस प्रकार हम देख सकते हैं अपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही बराबर हैं और यही परावर्तन का पहला नियम है और आप देख सकते हैं बच्चों ये अपतित किरण ये परावर्तित किरण और ये अभिलम्ब तीनों एक ही तल में हैं। और पता है और यही परावर्तन का दूसरा नियम है इस प्रकार इस प्रयोग से हमने परावर्तन के दोनों नियम को समझ लिया